मियाँ के डॉक्टर मैं समझना कि जी सेहत एक ऐसी साड़ी प्राइम नियमत है जिससे बाकी नियमत भी कुर्बान हो जाए ने। देखो जिंद एक वाजह मिसाल साढ़े को असद अब्बास की है। असद अब्बास ऐसा एक परसनैलिटी से जी 16 तो 17 साल की उम्र च उन्हें जिंदगी का वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके बारे साड़ी नौजवान नसल ईवन सोच ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जो तो अल्लाह ताला की जात ने थोड़ी जी एक नियमत कमजोर हो गई सेहत जिंद भी तो सारी नियमत बाकी उन्हें खर्च करना पै गया। ईवन फैसलाबाद के जो मकान सन 2-3 एक लाहौर से कोठी सी उस अलावा फाइनैशियल सैटअप जो उन्हें मैनेज किए सन सारा कुछ ईवन मर्सडीज़ गड्डी जी एक तोहफे के तौर पर मिली सी भी उन्होंने खर्च करने मजबूर हो गया। फाइनैशियली जितना कुछ असद अब्बास ने अपने आप में बिल्ड किया भी अपनी बीमारी पर लगा मजबूर हो गया। यह तो उसी जो उन्होंने फाइनैशियल लॉस हो इस बाद इलावा जो उन्होंने इमोशनल लॉस हो मसलन उन्होंने वालदा साहब इस बीमारी भी तो चलिया गई हैं उन्होंने बड़ी बहन फौत हो गया। उस तो इलावा उन्होंने जो बड़े भाई ने उन्हें अपना किडनी डोनेट किया लेकिन कुछ अर्से बाद दोबारा किडनी फिर चले गए और हमेशा तो डैसे से रहना पै गया। असद अब्बास के जाने बाद उन्होंने मिसेज जवानी के अंदर ही बेवा हो गए, बच्चे उन्होंने यतीम हो गए। कुदरत के कानून है, लाफ नेचर है कि हर अरूज में एक जवाल है। तुम देखो एक ऐसी परसनैलिटी ऐसा लैजेंड जिसने दुनिया जहान के बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और पाकिस्तानी स्टार्स के परफॉर्म किया, कोक स्टूडियो तो बहुत कुछ उन्होंने तहायफ के अंदर हासिल किया। एक वक्त आया कि वो पाई पाई के मोहताज हो गए और उन्होंने अपनी सेहत की बेहतरी वास्ते इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मीडिया तो रिक्वेस्ट की कि मेरी हेल्प करो सिर्फ सेहत में बेहतरी करने वास्ते। तो सानू चाहिए कि असं उस दाद का शुक्र अदा करिए जिसने सानू सेहतमंद पैदा किया और असी इस नियमत तो ज़्यादा फायदा चुकने लिए जरूरी है कि असी ऐसी आदत जिड़ियाँ कि साड़ी सेहत नाल कंसीड कर दें या जिन्हें भी तो सेहत खराब होने का चांस है असं उन्होंने तो दूर रहिए। आर दो असद अब्बास के अंदर कोई ऐसी बुरी आदत नहीं सी, सेहत एक ऐसी नियमत है जिदा कोई नियम बदल नहीं है। शुक्रिया।